अफेक्ट ऑफ मिरर मोशन ऑन इमेज, फिर से एक बार, इस पिछले क्वेश्चन में तुम्हारा मिरर कैसे गया, ऐसे निकल गया तो ऑब्जेक्ट की इमेज सामने बन गई, इस बार मिरर तुम्हारे पास आ गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो दो बंदे मिरर मेरे सामने ले आए, अब मैं देख रहा हूँ मेरी इमेज का क्या हुआ, ये क्वेश्चन है। तो आप इमेजिन करो आपके पास सपोज ये एक मिरर है, पुरानी लोकेशन है मिरर की लेटर सपोज, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी सपोज कितनी है x, तो इमेज की दूरी भी क्या आएगी x, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा 2x, ये पॉइंट क्लियर है। तुमने क्या किया इस बार, इस मिरर को तुम थोड़ा आगे ले आए, तुम कितना आगे ले आए, तुम इसको y डिस्टेंस आगे ले आए, इस ब्लैक कलर के मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी रह गई x माइनस वाई, तो इमेज भी कहां बनेगी x माइनस वाई इमेज, इसका मतलब तुम्हारी इमेज i से कहां शिफ्ट हो गई, i डैश बन गई, तुम्हें बताना है ये डिस्टेंस कितना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, इसमें क्या किया आपने, तो ये बताओ अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस बता दूं कितना है, कितना है 2x, इसमें से ये डिस्टेंस बता दूं, ये डिस्टेंस कितना है 2x प्लस 2x सॉरी 2x माइनस 2y, इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करोगे तो बचा हुआ डिस्टेंस आ जाएगा, माइनस करके तो देखो आंसर क्या आ रहा है 2y, तो रिजल्ट याद करो, रिजल्ट ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और अगर मिरर तुम्हारी तरफ आ गया बाय डिस्टेंस ऑफ y, तो तुम्हारी इमेज तुम्हारी तरफ ही आ जाएगी बाय डिस्टेंस ऑफ 2y। लेकिन एक खास बात देखो, अगर मिरर रेस्ट पे है खड़ा हुआ है और तुम मिरर के पास जा रहे हो y डिस्टेंस, तो तुम्हारी इमेज भी y डिस्टेंस पास आएगी, क्योंकि खड़े हुए मिरर ने जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनानी है, तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, अगर ये x है तो ये भी x है, ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर है, तुम अगर x डिस्टेंस पास आते हो तुम्हारी इमेज भी x डिस्टेंस पास आती है, बट अगर तुम चल नहीं रहे मिरर तुम्हारी तरफ आ रहा है, रिजल्ट ट्वाइस हो जाता है, तो अगर मिरर y डिस्टेंस पास आ रहा है तुम्हारी इमेज उसके अंदर 2y डिस्टेंस और पास आ जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या फॉर्मूला है इसका, तो वो क्वेश्चन में देगा कि मिरर तुम्हारी तरफ मान लो 4i कैप से पास आ रहा है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, 4i कैप × 2 8i कैप वेलोसिटी होगी इमेज की। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, रूल क्लियर है यहाँ तक कि ये रिजल्ट कैसे लगेगा, और अफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज, तुम अगर एज एन ऑब्जेक्ट इसके पास जा रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो इमेज तुम्हारे पास आएगी विद द वेलोसिटी ऑफ माइनस वी, माइनस मतलब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तुम जा रहे हो तो सेम वेलोसिटी इमेज की, पर अगर मिरर चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी ट्वाइस है, रिजल्ट याद रहेगा यहां तक।